किरदार है, स्पेशली जिस तरीके से आपका लुक दिया गया वो बहुत प्यारा है। सबसे पहले आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग दैट लुक। इसमें सबका हाथ है, चैनल का, प्रोड्यूसर का, मेरा। एंड रोल के बारे में आप जो पूछ रही हैं कि बहुत ही मेजरली खूंखार रोल है कि एक आदमी है जो पल में तोला पल में माशा होता है, कभी भी पलट सकता है, सीरियस हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, हंसता है, और ये क्या कर जाएगा ये किसी को पता नहीं चलता है। वो सीन के बारे में जब सीन करता हूँ तो वो सीन लिख के भी ऐसे आते हैं कि सीन होने के बाद मालूम पड़ता है कि ये कितना पागल आदमी है। तो अच्छा है, मेरे लिए एक नेगेटिव रोल, अरसे के बाद कर रहा हूँ टीवी में, मतलब देखेंगे तो आपको पता लगेगा। लुक वो तो डिसाइड करते हैं, चैनल डिसाइड करते हैं, प्लस प्रोड्यूसर्स और मिलके। खाली मेरी कंट्रीब्यूशन यही थी कि प्लीज़ इसको बॉल्ड ही रखें, तो बॉल्ड लुक में ज़्यादा टेरर आता है, खूंखार ज़्यादा लगता है आदमी, और फिर आंखें भी नीली हैं तो और डेंजरस लगता है। हाँ, हरफूल इज़ डूइंग वेरी वेल। लड़का नया है लेकिन लगेगा ही नहीं आपको, इतनी अच्छा डायलेक्ट पकड़ा है उसने हरियाणवी का। हालांकि मुझे दिक्कत हुई थी शुरू में कि मुझे मेहनत करनी पड़ी, किसी को बुलाना पड़ा, इनकी लेडी इंस्ट्रक्टर थी जो मतलब मुझे बोल के बताती थी ऐसा कि ये, तो क्योंकि पहली बार बोल रहा था, और क्या कि टेलीविज़न में ना कंटिन्यू सीन्स आते जाते हैं डेली सोप में, तो मुसीबत हो रही थी शुरू में, दिक्कत आई थी, लेकिन ओवरकम करना कैसे वो मतलब 43 इयर्स के बाद सीख ही लेते हैं हम लोग। बाकी हरफूल यस ही इज़ डूइंग वेरी वेल, क्योंकि वो पकड़ के आ गया, और सिंस ही वॉज देयर सिंस काफ़ी उसके रिहर्सल्स भी किए होंगे उसने, तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल। और मोहिनी के साथ अभी तक मेरा काम नहीं आया फिलहाल, अब ये शादी करके जब यहाँ आएगी तब मेरा ख्याल है कन्फ्रंटेशन उसकी और मेरी डायरेक्ट होगी, तो फिलहाल एट दिस स्टेज मेरा मोहिनी के साथ काम नहीं हुआ है। माई के साथ हुआ, जो मेरी भाभी है इसमें, सुप्रिया, सुप्रिया जी के साथ हुआ है, और हरफूल के दोस्त, ये मेरी वाइफ जो बनी है, मेरे इसमें दो नाजायज़ बेटे भी हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसा रोल है। वो दो नाजायज़ बेटों को भी साथ रखा हुआ है इसने, तो सी प्रेशर अब तो आता नहीं, अभी इतने इतना काम कर लिया कि ऐसा प्रेशर आता नहीं है। बाकी ये होता है कि कोई चीज़ नई जब आप करो और अरसे के बाद ऐसा नेगेटिव करो, तो दिल में थोड़ा सा ये तो लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी ऑडियंस मुझे पसंद करेगी कि नहीं। बट किया मैंने ऐसा है, नेगेटिव है तो फिर पूरा ही नेगेटिव जाना पड़ता है, उसमें फिर इफ़ और बट्स नहीं होते। अगर पागल है, नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव ही करना है। अब मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ऑडियंस पे है, मुझे कितना प्यार देते हैं, रोल को लाइक करते हैं जो मैंने किया है ऑन स्क्रीन, उम्मीद तो है कि पसंद आएगा। नहीं इजी तो नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि मैंने कभी पहले हरियाणवी कैरेक्टर प्ले ही नहीं किया, अब कर रहा हूँ, तो उसमें मतलब छोटे छोटे जो इनके होते हैं ज़्यादातर, एक तो डिक्शन होता है जैसे मैं बलदेव बलवंत चौधरी हरियाणा के नखरौली गांव का चौधरी सूँ मैं, अच्छा चौधरी हूँ मैं, हम नॉर्मली हम लोग बोल देते थे वहाँ, चौधरी सूँ मैं, ऐसे आता है, स तय इसमें फ़र्क आता है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है शुरुआत में, लेकिन कृपा है प्रभु की कि उसको भी मैनेज कर लिया है मैंने अच्छी तरह से, और आपको लगेगा नहीं कि मैं हरियाणवी प्रॉपरली नहीं बोल रहा हूँ।
फैंस को यही कहना चाहूँगा जो मुझे इतना प्यार दिया है, आप प्लीज़ देते रहें ऐसा, मेरा रोल लाइक करें, मेरा शो लाइक करें, और अगर ये शो हिट हो जाता है तो सारे मेरे एक्टर्स, मेरी टीम, मेरे ना बहुत फ़र्क पड़ता है एक शो हिट होने से। और एक और चीज़ कहूँगा आपको कि जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, कम से कम एक घंटा, 23-24 घंटे में से एक घंटा अपने शरीर के लिए दें, फिज़िकल एक्सरसाइजेस, वो भले वॉक हो या कुछ भी हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, आगे जाके बहुत काम आएगी, जैसे मुझे तो आ ही रही है। ओके, थैंक यू।